कल पुरानी हवेली डबिलपुरे की जानिब से एरिया पीएस डबिलपुरा एसीपी मीरचौक साउथ जोन डीसीपी को कंप्लेन दिया गया था कि पेम्पर पैड्स जो पीएनजी कंपनी का ग्रुप है वो पेम्पर पैड्स के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखकर बेहरमती कर रहा था। जब इस बात की इत्तला हमें मिली तो हम कंप्लेन दर्ज कराए, उसके साथ ये डिमांड करे थे कि 24 घंटे के अंदर इस पेम्पर पैड के खिलाफ कार्रवाई होना, जो माल मार्केट के अंदर मौजूद है उसको जब्त करना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी डिमांड थी वो आज 4 बज रहे मुकम्मिल हुई और ये तयखुन दिया गया था कल कि उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई। जो मेडिकल शॉप पे माल मौजूद था उसको रोक लिया गया और उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो माल मार्केट में मौजूद है उसको जब्त कर कंपनी से वापस लेगी। ये जो बेहरमती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी की गई थी, इसकी तमाम हैदराबाद के मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोर मजम्मत की और डटे रहे। कल मजम्मती एहतजाज किया गया इस बजामीन में और अल्हम्दुलिल्लाह जो कार कल कर गुजरे थे एहतजाज की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गया। उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस तरह की गुस्ताखी इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर ना हो। अगर इस तरह की गुस्ताखी अगर होगी तो यकीन है कि अमन चैन सुकून को ख़तरा होगा, क्योंकि मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं। उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त है। उसकी मजम्मत में कल मैदान में उतरे थे, एहतजाज किए थे और ये अल्टीमेटम किए थे, एहतजाज किए थे जिसमें दरगाह जिहाद और शहादत के सेक्रेटरी और मैं हमारे साथी मौजूद थे और यह एहतजाज पुराने हवेली और डबिलपुरे नौजवान की तरफ से किया गया था। हाँ, उनके ऊपर केस बुक हुआ डबिलपुरा जी। ऐसा कहा गया है कि जो कंपनी के जिम्मेदार हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको साउथ जोन डीसीपी में लाया गया, उनसे पूछताछ की गई और तंबी की गई और हमें यह तयखुन दिया गया है जो माल मार्केट में वो तो जब्त करना किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो मार्केट में माल मौजूद है उसे भी जब्त किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी हाँ, मेरा ताल्लुक दरगाह जिहाद और शहादत से है। मेरा नाम मोहम्मद बिन उमर।